सत्ता मिलनी है, गठबंधन को मिलनी है, विपक्ष में जो रहेगा वह भी गठबंधन के साथ रहेगा। हर की नज़र इस बात को लेकर है, कहीं ज़्यादा है कि दरअसल लोकसभा चुनाव की छाव में ही क्या वाकई ये चुनाव हो रहा है, और अगर हो रहा है तो फिर ऐसे में बीजेपी और शिवसेना के बीच की लकीर मिट जाएगी, बड़ी हो जाएगी, किस रूप में होगी। देवेंद्र फडणवीस जी, पहला सवाल तो यही है आपसे कि अभी तक जब से गठबंधन हुआ, बीजेपी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में शिवसेना से कद में छोटी रही, सीटों को लेकर, संगठन को लेकर भी। देखिए, हमारा हमेशा ये एडजस्टमेंट रहा है कि लोकसभा में हम ज़्यादा सीटें लड़ते हैं, शिवसेना कम सीटें लड़ती है, विधानसभा में वो ज़्यादा सीटें लड़ते हैं, हम कम सीटें लड़ते हैं। लेकिन इस बार हमारे साथ कुछ और पार्टीज भी जुड़ी हुई है, और इसलिए गठबंधन की राजनीति में हम जब छह लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो आपस में हमको सीटों का बंटवारा करना पड़ेगा, तो हम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में देश में एक प्रमुख पार्टी है, शिवसेना एक प्रमुख पार्टी है, और हम साथ में मिलकर हमारा दोनों के एरियाज जहां पर हम कहीं पर बहुत मजबूत है, कहीं पर वो मजबूत है, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब हम एक दूसरे, मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिशन नहीं है इसमें, एक कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, और इसलिए गठबंधन लगातार हम साथ में रहे हैं। इससे पहले कोई चुनाव आपको याद आता है कि चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया लेकिन सीटों को लेकर घमासान था? मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले हमेशा ही ऐसा हुआ है, और हमारी सीटों का बंटवारा ये जिस समय हम पर्चे भरते हैं उसके जो पहला दिन होता है उससे एक दिन पहले हमने हमेशा अनाउंसमेंट किया है, तो मुझे लगता है कि वी आर एब्सोल्युटली ऑन शेड्यूल, शेड्यूल से बाहर हम कहीं पर भी नहीं है। तो इससे पहले जब हमेशा रहा है तो क्या ये माना जाए कि आखिरी मोमेंट तक सौदेबाजी चलती है गठबंधन के भीतर? सौदेबाजी क्यों, ये तो बातचीत चलती है, चर्चा चलती है, सौदेबाजी तो सौदा करने वाले करते हैं, हम सौदा करने वाले लोग नहीं है, चुनाव 15 तारीख को है। उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए जाना चाहिए, कितने दिन का वक्त उसको मिलना चाहिए? मुझे लगता है जो वक्त इलेक्शन कमीशन ने दिया है वो पर्याप्त वक्त है, क्योंकि हम पार्टी के रूप में सामने जाते हैं, गठबंधन के रूप में सामने जाते हैं, लोकसभा से हमने तैयारी शुरू कर दी है, सभी जगह हमारी तैयारी बहुत जोरों से चल रही है, और जितना समय इलेक्शन कमीशन ने दिया है उतने समय में तैयारी हो जाएगी। साहब, हम क्या तैयारी करेंगे, लोगों ने तैयारी कर ली है, लोग तैयार बैठे, लोग वोट देना चाहते हैं, लोग परिवर्तन करना चाहते हैं, तो लोगों की तैयारी, हम तैयारी करें ना करें, लोग तो जैसे मोदी जी ने कहा था कि हम चले ना चले देश चल पड़ा है, वही परिस्थिति आज हमको महाराष्ट्र में भी दिखाई पड़ती है। संजय राव जी, आपके जो उम्मीदवार होंगे जाहिर है उनके सामने एक संकट होगा कि उन्हें टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक अंदरूनी लकीर तो खिंच रही है कि कितनी सीट पर कौन लड़ेगा, वोटर के सामने एक सवाल है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां से आप भी चाहते हैं लड़ना, बीजेपी भी लड़ना चाहती है, रास्ता क्या है? नहीं, जैसे देवेंद्र जी ने कहा है अभी कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की कोई लकीर की बात नहीं है, न किस प्रकार के मतभेद है, न तनाव है। देश की राजनीति में ये सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण गठबंधन रहा है, 25 साल से हम एक साथ है, और जब गठबंधन हुआ था तब भी लोग कहते थे कि ये 6 महीने तक चलेगा, बाद में नहीं चलेगा। 25 साल हमने महाराष्ट्र में और देश में ये गठबंधन चलाया है और आगे भी चलेगा। आज आप जैसे कहते हैं कि सीट का बंटवारा कैसे होगा, जैसे मेरे साथी देवेंद्र भाई ने कहा कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ये ओरिजिनल गठबंधन है, युति है, बाद में लोकसभा चुनाव में और चार छोटी छोटी पार्टियां हमसे जुड़ गई, तो जरूर थोड़ा अकड़ा यहाँ वहाँ हो सकता है, क्योंकि उनको भी हमें कुछ सीटें देनी पड़ेगी और देनी चाहिए, ये गठबंधन का धर्म है। और उनको सीट देने के बाद शिवसेना भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी जैसे हमेशा की तरह लड़ती आई है, तो इस बारे में कोई चिंता की बात नहीं है। न महाराष्ट्र की और राजनीतिक पार्टी है वो चिंता करती है ज़्यादा, कोई ज़रूरत नहीं है। मीडिया में खबरें आती है चिंता की, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। हम ही, हमारा घर का मामला है, हमेशा 25 साल में जब हम एक साथ बैठते हैं तो हम एक 10-15 मिनट में बंटवारा हो जाता है। नहीं, 10-15 मिनट में इसलिए नहीं हो पा रहा है, हम वो लिख कर लाए हैं और उन लोगों से बातचीत करके आए हैं। स्वाभिमानी शेतकारी संगठना 15 सीट जी हाँ चाहती है, चाहने भी देखिए, हर किसी पार्टी को, हर किसी नेता को अपनी पार्टी का विस्तार करने का। अरे हुजूर, आप सुनिए तो, मैंने सीट तो 288 ही रहेगी ना, चुनाव आयोग कोई फैसला भी नहीं ले रहा है कि बढ़ा दें।
राष्ट्रीय समाज पार्टी 10 से 12 सीट, आरपीआई अठावले 10 सीट, इन तीनों को मिला दीजिए तो तकरीबन 36 सीट, शिवसेना 154 से कम के फार्मूले पर आ नहीं रही है, 169 पे पहले लड़ा था, -15 शायद उससे कम नहीं करेंगे, कांग्रेस 144 सीट, वाकई तीनों को मिलाते हैं तो 334 सीट हो रही है। उसमें तकलीफ क्या है उसमें? और तकलीफ है कि 50 लोग कहां से लाएंगे? हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम ये चाहते हैं कि जो हमारे साथी है, जहां वो लड़ना चाहते, जहां वो जीतेगा वहां वो लड़ेगा, अगर कोई जीतेगा नहीं उनके पास सीट मांगने का पूरा अधिकार है, लेकिन जब हम एक साथ बैठते हैं तो हम सोचते कि कौन कहां से जीत जाएगा उनको सीट मिलेगी। जैसे ये हमारा भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का फॉर्मूला है, क्योंकि हम दोनों इस गठबंधन में बड़े भाई है और हम सबको संभाल के, हमारी फैमिली है, हमारा संसार मजबूत है, हम एक साथ आगे जाएंगे। बड़े भाई हैं, मान रहे हैं ना? हम दोनों नहीं, दोनों ही बड़े भाई हैं। हाँ, छोटा कौन है? महागठबंधन में हम बड़े भाई हैं, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैंने जैसे पहले बताया, इतने सालों से लोकसभा में हम ज्यादा लड़ते तो हम बड़े भाई हो जाते, विधानसभा में ये ज्यादा लड़ते ये बड़े भाई हो जाते, पर बड़े भाई छोटे भाई, देखिए भाई तो है, भाई तो है। नहीं नहीं, एक भाई हम लोगों ने देखा क्या हुआ, इसलिए मुश्किल थी, वहां तो खेल पूरा भाई का ही था, इसीलिए मुश्किल हो जा रही है। भाई बड़ा मुश्किल शब्द हो गया है इस दौर में, राजनीतिक और सियासी तौर पर। लेकिन अभी तक आए नहीं अभी माणिक राव जी, लेकिन तटकरे साहब, हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि वाकई कांग्रेस का विरोध करके ही एनसीपी बनी थी, और हमें याद है चूंकि, और बहुत ज़्यादा सीट आई नहीं थी जिस वक्त सरकार बनी थी 95 में शिवसेना, और 81 सीट हुआ करती थी 95 में शिवसेना की। हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर कांग्रेस से निकलकर एनसीपी नहीं आती तो शिवसेना बीजेपी गठबंधन महाराष्ट्र की राजनीति में छा गया होता। आप लोगों ने कांग्रेस तोड़ी और एनसीपी बनाई, ये एक फायदेमंद सौदा था महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। अब ये बताइए, एक ऐसे मोड़ पर राजनीति आकर खड़ी हो गई है जहां कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार, और गांधी परिवार को एक्सेप्ट करने के लिए कांग्रेसी ही तैयार नहीं हो पा रहे हैं। दिल्ली में बहस, यूपी में बहस, बिहार में प्रचार के लिए नहीं, महाराष्ट्र में भी ये वो आएंगे तो उनसे पूछेंगे, लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। गठबंधन की पहचान वाला परिवार कटघरे में है, मुश्किल वाला वक्त है। देखिए, जिनके साथ हमने गठबंधन 15 साल किया है वो मेरे पार्टनर यहाँ पे नहीं है, और शिवसेना बीजेपी के दोनों पार्टनर यहाँ पे आए वो खुलकर बात कर रहे हैं, मुझे खुलकर बात भी करने नहीं आती क्योंकि जब तक माणिक राव ठाकरे यहाँ नहीं आते वो आप ही के ट्रैफिक में फंसे हैं, सरकार आप ही की है, हमें इसमें क्या करना है। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ट्रैफिक है और दिल्ली में जिधर सरकार है उधर ट्रैफिक नहीं है, अहमदाबाद में ट्रैफिक नहीं है? ट्रैफिक तो दुनिया में सभी जगह पे है, नहीं वहाँ इंजन एक ही हो गया ना, अब कई इंजन है यहाँ पर, पता नहीं किस दिशा में जाए। देखिए, गांधी परिवार कई सालों से कांग्रेस का नेतृत्व करते आया है। एक चुनाव के निकाल के बाद जब इतना डिबैकल होता है तब उसके बारे में दे कैन डिस्कस इंटरनली इन देयर पार्टी, एज एन एनसीपी आई टू मेक एनी कॉमेंट, मैं कुछ उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो कांग्रेस के अंदर की बात है। हमें कुछ इतराज नहीं है क्योंकि वहाँ का नेतृत्व सोना जी के पास है, राहुल जी वहाँ पे कर रहे हैं, महाराष्ट्र में यदि अभी पृथ्वीराज जी आके गए चीफ मिनिस्टर के नाते, माणिक राव जी आएंगे, कौन से पार्टी का नेतृत्व किसने करना वो तो उनकी पार्टी की बात रहती है। जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे साथी देवेंद्र जी आए हैं, अभी अभी नए नए आके प्रेसिडेंट बने, चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं ना? बिल्कुल, कि यारी दोस्ती गठबंधन निभाने के लिए जीतने के लिए लड़ रहे हैं, जीतने के भी लड़ रहे हैं, सेकुलरिज्म के लिए भी लड़ रहे हैं, और गठबंधन साथ लेके आगे चलने की हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। गठबंधन साथ रखना मजबूरी है या जीतना जरूरी है? देखिए, वो दोनों आपस में एक मिलजुल की बात ही है। गठबंधन जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा, आपने कई बार उनको पूछा, उनके बारे में मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो अलग अलग पार्टी हैं। 25 साल में जैसे कि राहुल साहब ने यहाँ पे कहा और देवेंद्र जी ने कहा, आपने सही पूछा सवाल उनको पूछा कि उनकी गठबंधन की घोषणा नोटिफिकेशन होने के बाद भी नहीं हो सकती, जैसे कि 25 साल का पुराना गठबंधन है
हमारा तो 15 साल का है और हम कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी पार्टी स्थापित की है, जैसे कि आपने बराबर बात यहाँ पे कही 99 में। हम देख रहे हैं कि आप मंत्री लगातार रहे हैं, कई मंत्रालय आपने संभाले हैं, कैसा रहेगा चुनाव के बाद जब मंत्री आप नहीं रह पाएंगे तो कैसा लगेगा? देखिए अभी भी मैं मंत्री नहीं हूँ। नहीं, मंत्री से मतलब वो सत्ता जब नहीं रहेगी तो कैसा फील होगा आपको? मुझे नहीं लगता है कि हम सत्ते से दूर जाएंगे, हम तो सत्ता पर ही आएंगे महाराष्ट्र में। अगर सत्ता नहीं रहेगी तो क्या काम कर सकते हैं आप? देखिए हमारे पार्टी के नेता पवार साहब कई साल राजनीति में हैं, उनकी राजकीय पूरी करियर में मिनिमम 40% वो सत्ता से बाहर है, उससे कुछ पवार साहब का जिक्र नहीं कर रहे हैं जी। आप जब हमारे साथ बैठे हैं हम आपसे इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि आपका नाम भी कुछ घोटालों में आया और इस दौर की सरकार साथ लेकर चल रही है। हमें अक्सर बार बार लगता है कि ऐसा राजनीतिक दल जो बनता है सत्ता में आ जाता है, घोटाले होते हैं, आरोप लगते हैं, उसमें साबित हो नहीं हो वो एक दूर की बात है, सब पे तो आरोप लगते नहीं है, लेकिन ऐसे राजनेता क्या करेंगे जब उनके पास सत्ता नहीं होगी, वो क्या करेंगे? यानी सब कुछ आप सत्ता के लिए ही कर रहे हैं? नहीं ऐसे नहीं है, बिल्कुल हम विचारधारा के ऊपर स्थापित हो गया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। कौन सी विचारधारा है? यह सेकुलर विचारधारा, भारत की प्रगति। बिल्कुल, सेकुलर का मतलब क्या है? धर्म निरपेक्ष विचारधारा। धर्म निरपेक्षता का मतलब आरक्षण है 16%। देखिए आरक्षण की बात जब स्वतंत्रता आने के बाद ही सहयोगी आ गए। मणिक राव जी आपका स्वागत है, आपका इंतजार हम लोग कर रहे थे, आप यहां पर आइए, आइए आइए सर, क्योंकि गठबंधन के दौर में एक शख्स फंस गया, कहीं दूसरा शख्स बैठा है, अजीबो गरीब लग रहा था। ये आपका माइक है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बिना सत्ता के एनसीपी के नेता क्या कर पाएंगे जब वो आपने सिटिंग के अरेंजमेंट भी बहुत भारी किए हैं। नहीं हजूर, ये विदर्भ से आते हैं, ये भी विदर्भ से आते हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, हमारे दोनों के बीच में आपने हम देवेंद्र जी को बिठा के और मेरे साथ में यहाँ पे राहुल साहब को बिठा के कई नई इक्वेशन तो नहीं डाल रहे हैं। ये आप तय करेंगे, आज बैठे बैठे तय हो जाए अगर नहीं समझा। बहरहाल लेकिन बताइए कि अगर सत्ता से बाहर रहे तो क्या करेंगे? देखिए विचारधारा पे आ गए थे हम लोग आगे बढ़ते हुए, ये सेकुलरिज्म की विचारधारा क्या होती है? राजनीति में सेकुलरिज्म की विचारधारा आप सबको बिल्कुल मालूम है, सब ऑल रिलीजन्स सब धर्मों को साथ में लेकर ये देश में काम करना। कौन है जो नहीं लेकर चल रहा है? क्या कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो पार्टी जो सेकुलरिज्म नहीं मानती है? देखिए मैं उसके बारे में क्यों नहीं टिप्पणी करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दो साथी मेरे आजू बाजू में बैठे हुए हैं, वो उसके ऊपर ज़्यादा और प्रकाश कर सकते हैं, डाल सकते हैं। हम इस सवाल पे आते हैं चूंकि मणिक राव जी आ गए। मणिक राव जी, बड़ी उलझन हो गई है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, समझौता हो नहीं पा रहा है, कितने घंटे और लगेंगे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा समझौते के बारे में चर्चा चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि स्टेट लेवल पे हमारी चर्चा चल रही थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी आ गई कि जो हम तय नहीं कर पा रहे थे, तो हमने सोचा कि अगर सेंट्रल लेवल पे ही ये बात अगर हो जाती है, एक बार जो भी आंकड़ा है वो फाइनल हो जाता है, उसके बाद हम एक्सचेंज के बारे में या बाकी सभी बातें भी चर्चा करेंगे, लेकिन वो अभी तक आंकड़ा तय नहीं हुआ है। हमें उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर ये आंकड़ा तय हो जाएगा। वो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो नहीं बताई जा सके। नहीं महत्वपूर्ण ऐसे नहीं रहती है, लेकिन जब चर्चा के लिए एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो दोनों तरफ से अपनी अपनी बात रखी जाती है कि क्यों हमें बढ़ा के चाहिए या क्यों हमें बढ़ा के नहीं देना चाहिए, इसके बारे में चर्चा होती है। तो ये तो एक आधार लेकर एक दूसरे के साथ चर्चा होती है। पहली चर्चा अगर सक्सेस नहीं हुई तो दूसरी चर्चा की अपेक्षा रहती है कि दूसरी चर्चा में हम सफल हो जाए। कोशिश है हमारे दोनों तरफ से कि हम आघाड़ी बना के इस चुनाव में आगे जाए। नहीं आघाड़ी तो बरकरार रहेगा, ये देखिए ये हम लोग जो बात कर रहे हैं ये देश के तमाम हमारे जो चैनल हैं उसके ज़रिए दिखाया भी जा रहा है और महाराष्ट्र में हमारी अच्छी व्यूअरशिप है, तो महाराष्ट्र के वोटर्स जो देख रहे होंगे कल उन्हें वोट डालना है, उनके जहन में क्या आएगा कि एक ऐसी सत्ता जो 15 साल से चल रही है और गठबंधन के साथ चल रही है और जैसे ही चुनाव आया अटक गया मामला, कहते हैं 2 दिन और दीजिए। नहीं देखिए 15 साल से हम लगातार सरकार एक दूसरे के साथ साझा सरकार चला रहे हैं,
तो कभी इस तरीके से तो बातें हमारे हर वक्त चली हैं कि किसके पास कितनी सीट होनी चाहिए, क्योंकि जो आधार लेके हम चुनाव में जाते हैं तो पहला जो आधार रहता है कि जो भी चुनाव हम पार्लियामेंट के असेंबली के जिस चुनाव में हमें ज़्यादा सीट मिली है तो हमें उम्मीद करते हैं कि हमारी ताकत या किस तरीके से हमें ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए। ये तो एक दूसरे के साथ चर्चा करके सुलझाने की बात है, ऐसा नहीं कि अनबन है या कोई हम अलग जाना चाहते हैं या अलग कोई बात बनी है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं। उस गठबंधन की तरफ से एक मैसेज आया, हम लोग चेक कर रहे हैं कि कौन किस सीट पर जीत सकता है, उसके बाद हम समझौता करेंगे। आपके यहाँ क्या उलझन है? नहीं, जरूर उसके बाद ये तो जब तय होता है कोई, आप पहले ये बात तय हो जानी चाहिए, क्योंकि आधार जो हमने लिया है पहले से ही, आप जैसे 2004 में चुनाव हुआ था उसमें जो बात एनसीपी तो कुछ सीटों पे आगे थी तो हमने 2009 में एक पार्लियामेंट की जगह उनके लिए छोड़ दी थी, ये तो स्पष्ट है। उसके बाद जब 2014 का चुनाव आया तो उस वक्त एनसीपी ने शायद पार्लियामेंट के लिए हमें ना छोड़ी हो 2009 के आधार पे, इसीलिए हम ये चाहते थे कि भाई पहले जो था उसी के आधार पे चले, लेकिन उनका कहना है कि नहीं हमें ज़्यादा सीट चाहिए इस तरीके से, तो हम जरूर उसमें से एक दूसरे के साथ बातचीत करके ये बात सुलझाएंगे। तो आपकी झोली तो इस बार लोकसभा चुनाव में बड़ी खाली हो गई। देखिए लोकसभा चुनाव की जो बात है आप सभी पूरे देश की जनता जानती है कि किस आधार पर किस इशू के अंदर ये चर्चा हुई थी और कौन सी बात लोगों के सामने रखी गई थी कि बहुत सारे दिनों से जरूर हमारे पास गवर्नमेंट है और कुछ बातें हमने बहुत अच्छी तरह की है, कुछ हमारे से नहीं हुई वो, लेकिन कोई आए और ये बता दे कि हम हमारे पास जादू की कांडी है और हम सब ठीक करवा देंगे, तो इस तरीके से बात करने में लोगों ने विश्वास रखा, लेकिन जो भी 100 दिनों में उसके तरफ कोई भी कदम जब नहीं बढ़ रहे हैं उसी के ऊपर अभी महाराष्ट्र का चुनाव। मणिक राव जी, देश की जो हालत हो गई, नहीं इससे तो देखिए इनकार मत कीजिए, देश की जो हालत हो गई ना, अगर उस वक्त कोई शख्स आके ये कहता मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ, जनता वो भी मान लेती, इस स्थिति में देश आकर खड़ा था तब चुनाव ये हो रहा था। अब सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र के चुनाव में महाराष्ट्र की सत्ता अपने इशू को लेकर सामने आएगी या टारगेट करेगी उस जादू की छड़ी को जो पिछले 100 दिनों में कुछ नहीं कर पाई, जो लगातार कांग्रेस कह रही है? नहीं नहीं, उसका आधार हम यहाँ तक ही लेना चाहते हैं कि जो झूठे वायदे पार्लियामेंट के अंदर किए थे जिस आधार पे लोगों ने वोट बीजेपी को डालना था, ये इस तरीके से झूठे वायदे करके महाराष्ट्र में गुमराह करने की कोशिश हो सकती है, वही एक कारण। लेकिन जो चुनाव हम यहाँ पे लड़ेंगे वो महाराष्ट्र की जो हमने 5 साल के अंदर जिस तरीके से हमने काम किए हैं उसी के आधार पे, विकास के आधार पे चुनाव महाराष्ट्र में लड़ा जाएगा। टटकरे जी, विकास हुआ है? विकास हुआ है बिल्कुल। कैसे? 15 साल में गठबंधन होने के बाद जब हम अलग हो गए थे, आपने जो कुछ बात कही वो बिल्कुल सही है। 99 में बीजेपी सेना पावर में थी, हम अलग हो गए थे, उसके बाद भी महाराष्ट्र के लोगों ने हमको चुन के दिया। कहे 15 साल और यह लास्ट फाइव ईयर्स द मच डेवलपमेंट हैज बीन टेकन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इंक्लूडिंग कैपिटल मुंबई। ये आपने लाइन अंग्रेजी में क्यों बोली? मतलब ये डेवलपमेंट वाली लाइन अंग्रेजी में ही क्यों बोली आपने? क्या सुना नहीं? एकदम डेवलपमेंट वाली लाइन आपने पूरी इंग्लिश में बोली, आप हिंदी में बोल रहे थे, अच्छा बोल रहे थे। विकास क्या हुआ है साफ बताइए ना जनाब, लोग सुनना चाहते हैं क्या महाराष्ट्र में विकास हुआ है। देखिए अंग्रेजी में बात मैंने इसके लिए की, मैं माफी चाहता हूँ, आपको हिंदी में मैं बोलना चाहता। नहीं, हमें अचानक लगा कि जैसे डेवलपमेंट, नो क्वेश्चन ऑफ दैट, इसी ऐसा बात छोड़कर कुछ बात करना ऐसा तो नहीं है। अरे हुजूर, डेवलपमेंट क्या हुआ है? देखिए बड़ा साफ सवाल है पूरे महाराष्ट्र के मद्देनजर, सरकार में महाराष्ट्र में भारी तौर पर विकास हो गया है, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, पायाभूत सुविधा के क्षेत्र में हो, मुंबई सर के शहर जैसा शहर जो हमारे महाराष्ट्र की राजधानी है, देश की इकोनॉमिक कैपिटल करके मानी जाती है, और महाराष्ट्र के पूरी एरिया में चाहे विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, उत्तर महाराष्ट्र हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, जिस इलाके से मैं चुन के आया वो कोकण का इलाका हो, सभी क्षेत्रों में महाराष्ट्र में अच्छी तरह से विकास हो गया। संजय राव जी, सरकार मिल जाएगी तो क्या करेंगे, सब विकास तो हो गया। हाँ, अभी लगता है कि कुछ काम छोड़ा ही नहीं है हमारे लिए, इसीलिए तो लोकसभा में उनकी जो दुर्गत हो गई है। आपने देखी, सबसे पहले विकास हुआ है,
घोटालों का विकास हुआ है। कांग्रेस के एक मंत्री है सरकार में, पतंगराव कदम जी ने एक हाल ही में भाषण दिया सांगली में, उसकी एक लाइन अगर आप देखें तो पता चलेगा राज्य में क्या हुआ है। कार्यकर्ताओं के सामने मंत्री जी ने कहा कि भाई काम को लगिए, अगर हमारी सत्ता चली जाएगी तो हम सब लोग जेल में जाएंगे। उससे पता चलता है सरकार में क्या। कदम जी ने कहा ये? जी, इस मंत्री जी ने कहा है कांग्रेस के, सब जेल में चले जाएंगे। हाँ, अगर उसे पता चलता है कि महाराष्ट्र में 15 साल में क्या हुआ, तो हमें कोई लोगों के सामने जाने की जरूरत नहीं है। खुद मंत्री कहते हैं कि हम जेल में जाएंगे अगर हमारी सत्ता नहीं आएगी, इसलिए कार्यकर्ताओं को कहा कि अपने एक तो अपनी पार्टी में ले लो और कारावास मंत्री बना दो कि अगर तो, नहीं, ये तो अगर स्थिति है 15 साल में खतरे की एक, हम एक मिनट एक जवाब लेते चलते हैं, खतरे की घंटी है अगर ये बात हमने सुना नहीं, चूंकि इन्होंने जिक्र कर दिया है। देखिए, ये बात मैंने उसी वक्त उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिए थे शरद पवार जी के बारे में या इस तरीके से कुछ, तो मैंने ये कहा था कि कुछ उन्होंने इस तरीके से एक तो कहा नहीं है कुछ बातें, और पवार साहब जी के बारे में कहा जो उन्होंने कहा उसके बारे में स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस का मत नहीं है इस बारे में। तो ये इंडिविजुअल उनका मत हो सकता है, लेकिन बात एक है उसमें स्पष्ट। आज जिस तरीके से राउत साहब बात कर रहे हैं शिवसेना के नेता, तो मैं यही राउत साहब को कहूंगा कि भाई 5 साल में जो शिवसेना बीजेपी की युति की सरकार महाराष्ट्र पे थी, उस वक्त जो नाम पूरे महाराष्ट्र को पूरे देश को मालूम था, खंडनी का नाम शायद आपने भी कुछ सुना होगा। नहीं, हम महाराष्ट्र में ही थे, हम उस समय जानते हैं, लेकिन खंडनी जो जहां से शुरू हुई थी वो ये शिवसेना, और उन्हीं ने इस तरीके से स्टेटमेंट करना कि भ्रष्टाचार के बारे में और कोई जेल जाने के बारे में, मुझे आश्चर्य होता है कि अपना छुपा के रखना और लोगों का दिखाना इस तरीके से जो बात हमारी। देखिए, आप 1995 से 99 का जिक्र कर रहे हैं, तो अपना भी उन्होंने ख्याल रखना चाहिए कि हमने किस तरीके से सत्ता चलाई थी। मानिक राव जी, ये देखिए, ये ईमानदारी नहीं है। 2014 में आज हम खड़े हैं, क्योंकि हम जैसे ही आप 1995-99 बोल रहे हैं, हमारे जहन में आ रहा है शरद पवार कांग्रेस में, सोनिया गांधी घर के भीतर 98 में उनकी एंट्री पॉलिटिक्स में हुई, पीवी नरसिम्हा राव थे, फिर तो गठबंधन का दौर चला गया। अगर उस पीरियड को उठा के आज की स्थिति में लाकर खड़ा करेंगे, हमें लगता है वोटर समझने लगा है, और जिसका जन्म भी हुआ होगा सोचिए 1990 में, वह भी तो मैंने वोट देने की स्थिति में आ गया है, तो आप कल्पना कीजिए कितनी परिस्थितियां बदल गई हैं। हमारा सिर्फ सवाल यह है कि एक पार्टी कह रही है कि आपके नेता ने कहा सब जेल में होंगे, आपने कहा यह उनका निजी विचार है। अगर यह निजी विचार भी है तो यह कितना खतरनाक है, क्या कितनी खतरनाक स्थिति में महाराष्ट्र है? उसका मैं इतना ही कहूंगा कि उसको उलट कर लोगों के सामने रखने की कोशिश हुई। जो स्टेटमेंट उनका था, उन्होंने इस तरीके से कभी नहीं कहा था कि हमारे गवर्नमेंट में इस तरीके से कुछ आपराधिक लोग हैं, उनको जेल में जाना पड़ेगा, इस तरीके से बात नहीं थी। उन्होंने एक सवाल में इस तरीके से बात की थी कि हाँ, अगर कुछ इस तरीके से कुछ बात हुई, कुछ अलग एकाधे बारे में अगर टिप्पणी कुछ करता है, तो उसको पूरे सार्वजनिक सभी जो हमारी आघाड़ी है उसी के पूरे गवर्नमेंट के ऊपर आके नहीं स्थिर होती हो कि इंडिविजुअल अगर किसी के रोष के कारण वो बात कर रहे हो तो वहां तक ही वो सीमित रहती है। Okay. ना कि पूरे कांग्रेस के ऊपर, ना कि पूरे एनसीपी के ऊपर इस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की, इसका अर्थ निकालना एक गलत है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब से आ गया ना, तो हम नेताओं की बड़ी तकलीफ हमको हो गई। क्यों? अब माणिक राव जी देखिए कितना लंगड़ा समर्थन कर रहे हैं। अब जो उन्होंने कहा वो तो टीवी ने दिखा दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनका सीधा भाषण चल गया, और उन्होंने साफ कह दिया कि अगर हम सब साथ में नहीं आते तो सब अंदर जाएंगे। ये तो सबने उनके मुंह से सुना है। तो भाई, प्रिंट मीडिया में छप जाता तो हम कभी कभी बोल देते कि नहीं ऐसा कहना नहीं था, पर ये तो साफ हमने देख लिया। और अब माणिक राव जी कितना भी कहे तो भी पूरी दुनिया ये देख रही थी कि पतंग राव जी कह रहे थे कि अभी सब साथ में आ जाओ, अंदर आ जाओ, नहीं तो सबको उधर अंदर जाना पड़ेगा, पूरे मंत्रिमंडल को जेल में जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इस प्रकार का बयान टीवी में हमने और पूरे महाराष्ट्र ने और देश ने देखा है। दो भाग्यशाली लोगों के साथ हम हैं, ये दोनों मंत्रिमंडल में नहीं है। मंत्रिमंडल में तो नहीं है ना आप? मैं मंत्रिमंडल में रहूं या नहीं रहूं, लेकिन गवर्नमेंट जो हमारी है, भलाई एनसीपी और कांग्रेस दो पार्टी होंगी, लेकिन हम साथ साथ हैं, साथ साथ गवर्नमेंट शेयर की है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे गवर्नमेंट ने कुछ गलत काम किए हैं,
इतना मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से 5 साल में हमने गवर्नमेंट चलाई, जो मुख्यमंत्री पृथ्वीराज जी चौहान साहब जिस तरीके से हर बातों के ऊपर लोगों में भी, आज पहले कहा जाता था कि उनका ठीक नहीं है, कुछ लोगों से ठीक से ताल्लुक नहीं रखते हैं या उनको मालूम नहीं महाराष्ट्र के बारे में, लेकिन धीरे धीरे लोगों के जहन में ये बात आ गई कि सही मायनों में कांग्रेस गवर्नमेंट के जो नेतृत्व महाराष्ट्र में पृथ्वीराज जी चौहान, वही पारदर्शिता के साथ गवर्नमेंट को चला सकते हैं। बाकी कोई कितना भी कहे, अगर पीछे उनके पूरे झांक कर देखे, 5 साल की राजनीति भी आपने देखी होगी, यूटी सरकार भी देखा होगा, तो आपने उसमें हर बात के ऊपर उस वक्त जो चर्चा होती थी, कौन सी बातों के ऊपर चर्चा होती थी, आज वही बात वो दोहराना चाहते हैं, वही बात लोगों के सामने लेके आना चाहते हैं कि नहीं नहीं ये गलती हो रही है इस तरीके से बात, ये तो अपोजिशन करके उनको कहना ही पड़ेगा, लेकिन सही क्या है और गलत क्या है ये लोग जानते हैं कि कौन सही सरकार चला सकता है। नहीं, हमें दूसरा डर लग गया कि मान लीजिए सत्ता में आ जाए तो पॉलिटिकल विंडिक्टस जो बनाया जाता है उसके लिए पतंगराव कदम जी ने एक मौका दे दिया कि वो ओरिजिनल होगा, लेकिन चलिए हम मुख्य मुद्दे पर बात करें, उस डेवलपमेंट पे आते हैं। कि पतंगराव कदम के ऊपर ही पूरी चर्चा चलेगी तो अरे बयान बड़ा है, आप कमाल कर रहे हैं, एक किताब पे संजय बारू ने लिख दिया सोनिया गांधी कटघरे में हो गई कि कहां पर क्या था, वो क्या कीजिएगा, देश ऐसा है ना, उसका भी जवाब दिया हमने, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, जवाब तो आया ही, ये एक बात आई फडणवीस साहब विकास का डेवलपमेंट, हम उसमें आ जाते हैं सीधे विदर्भ से, चूंकि आप नागपुर से आते हैं, विदर्भ का कितना डेवलपमेंट हुआ है इस दौर में, चूंकि इनसे भी पूछेंगे उसके बाद हम। देखिए कुछ चीजें तो मुझे छोड़ दीजिए, इन्हीं के नेता पवार साहब ने भी परसों भाषण में कही कि देश के अंदर अगर हम इरिगेशन पोटेंशियल की बात करें तो 44% देश के अंदर इरिगेशन पोटेंशियल तैयार हुआ, महाराष्ट्र में 17.9%, अभी यह बढ़ा चढ़ाकर 23% कहते, चलिए 23% हम मानते नहीं है पर मान भी ले, तब भी महाराष्ट्र देश से इतना पिछड़ा हुआ है और इतना पैसा हमने खर्चा किया या इरिगेशन पोटेंशियल तैयार नहीं हुआ। और विदर्भ जहां सबसे ज्यादा पानी है, जहां सबसे ज्यादा नदियां बहती है, वहां पर हमारा इरिगेशन पोटेंशियल 10% भी हम नहीं तैयार कर पाए, वहां का आज इरिगेशन का बैकलॉग ये करीब 11 लाख हेक्टेयर का इरिगेशन का बैकलॉग है, वही मराठवाड़ा की अवस्था है, तो इरिगेशन की फैसिलिटीज हम तैयार नहीं कर पाए। बिजली की अवस्था वैसी है, आज भी महाराष्ट्र जिसको हम पुरोगामी कहते हैं वो महाराष्ट्र लोड शेडिंग से जूझता है, ये कहते हैं लोड शेडिंग 12-12-12 को खत्म कर देंगे, 12-12-12 इनके कभी बचते नहीं, इनके 12 बच जाते हैं पर लोड शेडिंग खत्म नहीं होता। आज भी ग्रामीण अंचलों में आप चले जाइए तो बड़े पैमाने पर लोड शेडिंग, अभी ये कहते हैं युति, अब उतना तो पीछे मैं जाना नहीं चाहता फिर भी इनको याद दिलाता हूं, कंफ्यूजन है लोगों में। देखिए हम जब बात विकास का कर रहे हैं जी तो उसमें एक एग्रीकल्चर को लेकर एक कंफ्यूजन है, बिल्कुल, क्या बीजेपी का ध्यान एग्रीकल्चर की दिशा में रहा है? निश्चित रहा है, ओके रहा है। नागपुर में जो एक बन रहा है हब, जिसमें कि कार्गो हब बन रहा है, आपको इसकी जानकारी है खेती की कितनी जमीन उसके तहत आई है? देखिए कार्गो हब के तहत जो जमीनें आई हुई है मोस्टली अर्बनाइज जमीनें आई हुई है, कुछ खेती की जमीन निश्चित रूप में उसमें आई हुई है, लेकिन चूंकि ये अर्बन इलाके से लगा हुआ इलाका था तो उसमें कम खेती होती थी, लेकिन कुछ निश्चित रूप से आपका कहना सही है कुछ खेती की जमीन आई है, लेकिन वो जमीनें इन्होंने ली, लेने के बाद लोगों ने जमीनें दी, लोगों की अपेक्षा थी कि यहां पर कार्गो हब बनेगा और बनकर हमको रोजगार मिलेगा, 15 वर्षों में न कार्गो हब है न रोजगार है, अब ये बताइए न कुछ है, ये अवस्था है। फडणवीस साहब अब ये बताइए उसमें कितने बीजेपी नेताओं के पैसे लगे हुए हैं कार्गो हब? किसी के नहीं है, आप बता दीजिए, बिल्कुल निश्चित, मैं तो बिल्कुल आह्वान देता हूं कार्गो हब में कितने बीजेपी। मानिका जी आप बताने की स्थिति में या हम ही बताएं? आपने बताएं तो बेहतर होगा क्योंकि मेरा तो वो मानेंगे कि ये गठबंधन पैसे से लेके सत्ता चलाने तक में, लेकिन वोटर को बताते हैं कि हम दोनों अलग अलग गठबंधन है, धंधे में एक हो जाते हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा ये कैसे संभव है। मैं तो आह्वान देता हूं और ये मेरा चैलेंज है कि कार्गो हब के अंदर किस भारतीय जनता पार्टी के नेता का पैसा लगा है ये आप बताइए, ये हवा में बात करके थोड़ी होता है। और साहब एक बात तो ये है, हम सत्ता से दूर है, हम सत्ता में नहीं है, लेकिन लगातार कार्गो हब को समर्थन देने का काम हमने इसलिए किया कि वहां पर उद्योग आएगा, पर यह सरकार इस प्रकार की सरकार है न एक्विजिशन पूरा करती है न रिहेबिलिटेशन पूरा करती है, केवल वादे, उसके सिवा कुछ होता नहीं है। तो आज कार्गो हब ये केवल मतलब 3-3 चुनाव में इन्होंने वोट मांगा और
इनके जो प्रत्याशी थे वो लोगों से लिस्ट मांगते थे कि भाई अभी अपनी सत्ता आ रही है, कार्गो बन रहा है, किसको किसको नौकरी चाहिए, तो लिस्ट बनती थी। नागपुर में 25-50 हजार लोग अपना नाम उसमें सूची में दर्ज कराते थे और चुनाव के बाद वही परिस्थिति होती थी। और यही लगातार विदर्भ नहीं महाराष्ट्र के साथ भी हुआ है। महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार ने विकास, अभी ये विकास की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बनाया, ये सायन पनवेल लिंक भी नहीं बना पाए, हमने 55 फ्लाईओवर बनाए, इन्होंने कितने बनाए 15 सालों से, हम 4.5 साल थे, 15 सालों से ये हमने वर्ली बांद्रा सी लिंक हमने शुरू की, उसको पूरा करने में इन्होंने 7 साल लगाए, उसके आगे की लिंक का ये टेंडर ही कर रहे हैं, वो कर नहीं पाए। तो इन्होंने इनका, अगर हम मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 14 सालों में मुंबई में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है? ये कहते हैं हमने वर्ल्ड क्लास सिटी, साहब धारावी का 15 सालों से रीडेवलपमेंट का हम प्लान ही सुनते आ रहे हैं, एक बिल्डिंग खड़ी नहीं हो पाती 15 साल में, ये उसका टेंडर ही नहीं कर पाते। साहब मुंबई को सेफ सिटी करेंगे, मुंबई के ऊपर हमला होता है और हमले के बाद ये कहते हैं कि सीसीटीवी लगाएंगे, 6 साल तक सीसीटीवी का टेंडर नहीं हो सकता। अब सीसीटीवी कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी तो नहीं है साहब, उसका टेंडर नहीं कर सकते, बुलेट प्रूफ जैकेट या खरीद नहीं सकते, ये कोई सरकार है, ये तो कोई निर्णय नहीं कर सकते। और आज हम देखेंगे तो आज मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति ऐसी है, 1999 में जब हम दिल्ली जाते थे तो हमको अच्छा लगता था कि हमारा मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली से अच्छा है, साहब आज क्या अवस्था है, दिल्ली कहाँ चला गया, मुंबई कहाँ रह गया, कोई मुंबई में रहना चाहता है, ये अवस्था मुंबई की कर दी इन्होंने। माणिक राव जी पाषाण काल में ले गए। देखिए ये बात जिस तरीके से जोर जोर से बात रखना सही नहीं होता है। मुंबई के डेवलपमेंट के बारे में जो कदम 3-4 साल में कांग्रेस हमारी आघाड़ी सरकार की तरफ से बढ़े हैं, तो आप सभी जानते हैं कि आज के तारीख में 15,000 करोड़ के ऊपर के काम यहाँ पे चल रहे हैं, 50,000 करोड़ तक के काम यहाँ पे प्रावधान में है, मंजूरी के लिए पड़े हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जो बातें कह रहे कि झोपड़पट्टी के बारे में, सीसीटीवी के बारे में कुछ हुआ नहीं है, झोपड़पट्टी के बारे में कुछ हुआ नहीं है, ये इस तरीके से लोगों को गुमराह करने वाली बात, विकास का अर्थ क्या है, कुछ ऐसे बात शिवसेना और बीजेपी की सत्ता महाराष्ट्र मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है। और बात ये अभी मैंने सुना है उद्धव जी का कि उन्होंने कहा है कि गढ़चिरौली के कोई स्कूल में बच्चा मुंबई से यहाँ से इंटरनेट पे पढ़ेगा, चंद्रपुर में पढ़ेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुंबई के जो भी स्कूल है, यहाँ की स्कूल की हालत क्या है, जो मराठी स्कूल के कमरे हैं वो भाड़े से दिए जा रहे हैं, यहाँ के बच्चों को सही नहीं पढ़ा सकते मुंबई के, और बता रहे हैं कि चंद्रपुर के बच्चों को, आदिवासी के बच्चों को इस तरीके से पढ़ाए, की हालत गुमराह करने वाली है। तो वास्तविक इसमें है मुंबई महानगर पालिका ने 5 साल के अंदर जो उन्होंने किया उसका बजट है, हमारे बीएमसी का बजट है शिक्षा के सुधार के लिए। शायद माणिक राव जी को ये कहना है कि जो जिला परिषद की स्कूल, ये थाना वाना सब जगह जो इनकी सरकार चलाती है, उन स्कूलों के बारे में वो बोल रहे हैं। ये आपको मालूम है मैं कौन से स्कूल के बारे में बता रहा हूँ कि हर वक्त इस तरीके से कोई बात आई तो दूसरी तरफ का उसको पलट देना ये ठीक नहीं है। ये मुझे बताइए कि मुंबई के जो उदाहरण के साथ कहते हैं, आप बताइए मुंबई में 10 प्रोजेक्ट हमने किए, मैं बोलता हूँ हमने 15 साल में कंप्लीट किए, हमने मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर ये बढ़ाया, हमने महाराष्ट्र में इतने रास्ते तैयार किए, हमने इतना 4 लेनिंग किया, बताइए ना कुछ। देखिए ये सभी को मालूम है कि जो हाईवे आपने जो स्टार्ट किए थे मुंबई में कितने हाईवे थे, उसके बाद महाराष्ट्र और पूरे अलग अलग शहरों में कितने हाईवे बने हैं। यहाँ कोई मुंबई में सब लोग रहते और आजू बाजू जाते नहीं, ऐसा नहीं, महाराष्ट्र में सभी ने देखा है कि कौन से शहर में कितने हाईवे बन रहे थे, कभी 10% भी तुम्हारे इसमें नहीं बने होंगे, उतने बड़े तादाद पे पूरे महाराष्ट्र में हाईवे कांग्रेस की गवर्नमेंट ने और कांग्रेस की सरकार ने, लोक से आघाड़ी की सरकार ने बनाया। शायद कागज के ऊपर बने, कागज के नहीं, आप देखिए नहीं पड़ते, मुझे एक बताइए, महाराष्ट्र में तो शायद आपने किसी को दिखाई नहीं पड़ता, तो कागज पे बने होंगे। मुंबई शहर विकास की बात की है, मुंबई शहर आपने देखा होगा, पुणे शहर देखा होगा, नासिक देखा होगा, यहाँ के जितने भी बड़े शहरों में आप गए होंगे तो हाईवे पहले थे नहीं थे, अभी बने बन गए हैं। लेकिन इस तरीके से हमने शुरू किए, एक क्या फ्लाईओवर शुरू कर दिया, और वो भी हमारी वक्त गवर्नमेंट की वक्त उसकी न्यू तैयार की थी कि इस तरीके से फ्लाईओवर बनेंगे, एक क्या शुरू कर दिया कि जैसे कि फ्लाईओवर हमने बनाए। 5 साल के अंदर मैं इतना ही कहूंगा,
कि जो ये आप कहना ठीक है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन 5 साल के अंदर एक हम कोई भी सैंपल एक देखते हैं कि 5 साल में जिसके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई थी तो किस तरीके से उन्होंने निभाई है, और 5 साल के अंदर जिस तरीके से जिम्मेदारी डाली थी उसके बारे में एक भी बातों का जिक्र ये कभी भाषण से नहीं करते। विरोधी नेता सब तरफ महाराष्ट्र में घूमेंगे, लेकिन हमने 5 साल में ये किया था, सिर्फ फ्लाईओवर की बात बार बार करते कि हमने एक फ्लाईओवर बनाया था, कृष्णा कुरु विकास महामंडल हमने बनाया, महाराष्ट्र सिंचाई महामंडल हमने बनाया, आपने क्या किया? हमने जितना काम किया उस काम को कृष्णा कुरु में पूरा भी नहीं कर पाए, किसानों को सिंचाई नहीं दे पाए, किसानों को कभी मदद नहीं की, किसानों को कभी मदद नहीं की। मुझे एक भी बात बताए कि किसानों के ऊपर आपत्ति आई थी और शिवसेना बीजेपी गवर्नमेंट ने साहब आपके कार्यकाल में 2004 से लेकर 2014 तक हर वर्ष 4000 किसानों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की है, ये मैंने कहता जो केंद्र सरकार का रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड कहता है और पार्लियामेंट में इसका जवाब आपने दिया हुआ है। देखिए तो आप कौन सी मदद करें, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मदद करें? आप किसानों को मदद क्या है? किसानों की मदद ये होती है कि आप किसानों को सिंचाई की सुविधा दे। कौन सी सिंचाई की सुविधा आपने दी? 11 लाख हेक्टेयर का आपने बैकलॉग तैयार किया, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। एक बार आप क्या समझाएंगे, दुनिया को समझाइए, देश को समझाइए और महाराष्ट्र को समझाइए। 95-99 में शायद आप थे, और 95 के बाद जब 98 में जब किसानों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की, उस वक्त का जिक्र मैंने हाउस में किया था। मनोहर जोशी जी ने कहा था कि महाराष्ट्र में इस तरीके किसान आत्महत्या नहीं की है कहीं पर भी, लेकिन मैंने खुद कहा था अगर आत्महत्या हुई हो तो क्या बात होंगी, आप मदद करेंगे? तो उन्होंने कहा था कि मैं आपके हाथों से वहां किसानों को मदद करने के लिए आऊंगा। खुद मनोहर जोशी आए थे और मैंने दिखाया था कि ये किसानों ने आत्महत्या शुरू है आपकी युति सरकार के राज में, इन किसानों को मदद दो। मेरे हाथ से उन्होंने 4 जगह पे जाके आत्महत्या करने वालों को मदद दी थी। इसका मतलब साफ है, जब युति सरकार आई थी हम ये नहीं कहेंगे कि उन्हीं के वक्त आत्महत्या शुरू हुई, लेकिन कहां से ये शुरू हुई, किस वक्त से आत्महत्याओं की बात चली, ये आप देखेंगे पूरा रिकॉर्ड है। 15 साल से राज चला रहे हैं। तो इस मानिक राव जी, देखिए मुश्किल क्या हो गई है, हम लोग आत्महत्या शब्द भी मतलब इंजॉय करने लगे हैं। ये सवाल इसलिए हम कर रहे हैं, 2005 में सोनिया गांधी आई थी, वर्धा में एक वानगेड़े नाम के किसान ने खुदकुशी की थी, हमें इसलिए याद है क्योंकि हम कवर करने गए थे। 2007 में एक गाँव के यवतमाल में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंचे थे, 27 विधवाओं से मिले थे वो, और पिछले दिनों जब सूखा था तो हम उस इलाके में गए तो पता चला कि विधवाओं की तादाद बढ़ के 90 हो गई है। सवाल सिर्फ इतना आ रहा है कि जिस दिशा में सरकारों को काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। कांग्रेस इसलिए कटघरे में है कि केंद्र में भी उसकी उस दौर में सरकार थी, यहाँ पे अभी थी। अब सवाल ये है कि ये डेवलपमेंट शब्द ऐसा तो नहीं होने वाला है कि डराने लगेगा कुछ दिन के बाद, क्योंकि डेवलपमेंट है क्या? हमें लगता है सबसे बड़ा पिंडारा बॉक्स यही हो गया है। टटकरे जी, फिर आपसे हम शुरू कर रहे हैं, डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट शब्द क्या है? देखिए, आपने जब मैंने डेवलपमेंट की बात की और उसके बारे में आपने भी टिप्पणी की, क्या यहाँ दोनों पे जो बैठे हैं ये एश्योर्ड करते हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार 5 साल पूरे करने के बाद देश का विकास पूरा हो जाएगा? गुजरात में 15 साल उसने राजनीति की तो विकास पूरा हो गया, अभी तो विकास वहां पे होने वाला नहीं है, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस तो चलने वाली है। आप भी जैसे बात किए मुझे भी बहुत ये लग गया, देखिए एक काम हो गया तो दूसरे काम की जरूरत लगती है आदमी को, नई नई डेवलपमेंट के नई नई टेक्नोलॉजी आती है, वो तो प्रोसेस तो ऑनगोइंग रहेगी ना। जैसे कि मुंबई शहर में ये लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने 55 उड़ानपुल बनाए, फ्लाईओवर बनाए थे, अभी ईस्टर्न फ्रीवे डेवलपमेंट का मतलब ईस्टर्न फ्रीवे किसने बनाया, मोनो रेल मेट्रो रेल किसने बनाया, ईस्टर्न सबर्बन और वेस्टर्न सबर्बन जोड़ने के लिए फ्लाईओवर किसने बनाए, बहुत सारे काम जहाँ पे माणिकराव जी उन्होंने रखी हैं वैसे बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए हैं। लेकिन डेवलपमेंट का स्तर हर आदमी के मन में अलग अलग रह सकता है, उनकी अपेक्षा अलग रहेंगी, पूरी करने के लिए सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। हम ये साथ में दावा करते हैं 5 साल में डेवलपमेंट का प्रोग्राम महाराष्ट्र में अलग अलग क्षेत्रों में राज्य के अलग अलग विभागों में भी किया गया है। उसके बाद जो नेचुरल कैलेमिटीज आ गई 5 साल में,
पांच साल में नेचुरल कैलामिटीज आई हुई क्षेत्रों को और लोगों को मदद करने के लिए सरकार ने 13,000 करोड़ की राशि वहां पे खर्च की है। देखिए नेचुरल कैलामिटी तो किसके हाथ में नहीं है, ये होने के बावजूद भी जितना डेवलपमेंट का प्रोग्राम कर सकते उतना किया है। देखिए आपको लगते है वैसा नहीं, अभी आप ऐसा दावा कर सकते हैं कि दिल्ली में एयरपोर्ट से जाने के बाद वहां पे ट्रैफिक जाम नहीं होती, वो वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए इसके लिए तो मैंने कहा ना कि वो तो डेवलपमेंट की प्रोग्राम प्रोसेस दैट इज एन कंटिन्यूस प्रोसेस। 50 साल जब हमको आजादी मिली तब का भारत और आपका आज का भारत, ये ऐसा दावा कर सकते कि कुछ नए देश में हो गए, नहीं तो हम यहां कैसे बढ़ सकते थे 50 साल पहले, ये तो नहीं सुविधा नहीं थी। तो इसके लिए देखिए कहने का मतलब ये, मनमोहन सरकार में भी एरोगेंस आया था जिस समय मराठवाड़ा सूखे में निपट रहा था, आपके नेता अजीत पवार ने क्या शब्द इस्तेमाल किया था आपको याद है, किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था? हम ये बार बार आपसे कह रहे हैं कि दरअसल विकास का मतलब न्यूनतम की जरूरत से ऊपर होता है। 2 जून की रोटी, अब भी यहां पर बीपीएल के परिवारों की तादाद ग्रामीण इलाकों में महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही है, शहरी गरीब सबसे ज्यादा है, बेरोजगारों की तादाद यूपी के बाद यहां पर महाराष्ट्र में हो गई है। मैं नहीं मानता हूं। नहीं यूनाइटेड नेशन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मानता हूं। आप मत मानिए, आप माने को भी नहीं, हम तो आपको यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं इस वक्त, हम भारत सरकार का भी नहीं कह रहे हैं, कह दीजिएगा कि आप मोदी की रिपोर्ट है वो, हम बता रहे हैं यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, महाराष्ट्र को लेकर जिक्र कर रहे हैं। तो आपका मतलब हमारी महाराष्ट्र में ह्यूमन डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र वो है जहां बेरोजगारों की तादाद सबसे ज्यादा है जनाब? मैं नहीं मानता। 4.5% 2.5% गुजरात है। अब मत मानिए, यही मुश्किल है, आप चाहे ना मानिए तो क्या सरकार चलाने के तरीके जो सत्ता में आएगा उसके हिसाब से ही परिभाषित होंगे? आप इसको मानते हैं कल शिवसेना और बीजेपी आ जाएगी, वो जो कहेगी वो सच, आज आप जो कहेंगे वो सच, वोटर क्या करेगा, जनता क्या करेगी? वो तो देखिए चर्चा तो हो सकती है, बहस हो सकती है अलग अलग विषय पर, जैसे कि मुंबई की महापालिका, उसका भी बजट 32,000 करोड़ है, क्या इसका मतलब है कि मुंबई में सब कुछ ऑलवेल है? बात करते कर सकते हो, दावा कर सकते हैं, अब नॉर्मल है, लेकिन आपको महाराष्ट्र चलाने का मौका मिला है, उन्हें बीएमसी मिली है, बीएमसी करप्ट है, हम चलिए बोलते हैं करप्ट, बीएमसी करप्ट है, आप कैसे बोल सकते हो? बीएमसी में जिस तरह से 25 साल से आप हमारा जो राज चल रहा है, सबसे ज्यादा मुंबई का जो बजट है वो किसी स्टेट से कम नहीं है, और जितना भी हमारा काम चल रहा है मुंबई में वो कोई स्टेट में नहीं हुआ है। हाँ मुंबई डूबी नहीं है, आप देखा होगा कभी, आज इस बार पहले भी देखा होगा मुंबई में जितना काम, फिर मेडिकल में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, जितना काम मुंबई महानगर पालिका ठाणे महानगर पालिका हमने काम किया है, इतना काम मंत्रालय में नहीं होता है महाराष्ट्र के, जितना उससे ज्यादा काम मुंबई में हुआ है। अभी दूसरी बात, अभी उनको पूछो विकास क्या है, राजनीति का मतलब क्या होता है, अभी उनको पूछो विकास क्या है, आप डेवलपमेंट का बात जो सवाल आपने मुझे पूछा था अभी उनको पूछिए, वो उसका उसका जवाब क्या है? हमारा मुंबई महानगर पालिका का काम होता है, जो छोटी छोटी काम होता है, सिविल काम होता है, वो महानगर पालिका का काम, राज्य चलाना होता है, ये मुख्यमंत्री का काम, सरकार का काम है, हमारे पास सरकार आने दो, फिर हम दिखाएंगे राज्य कैसा चलाए। स्कूल नहीं चला सकते और राज्य क्या चलाएंगे? आप 15 साल से क्या खा रहे हैं? फिर लोग तो भूखे हैं, लोग नंगे हैं, लोगों के पास कपड़े नहीं है, घर नहीं है। मुंबई रहने वाले को सिर्फ उनके बच्चे को शिक्षा दीजिए ठीक से, वो भी नहीं कर पा रहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो बाकी महाराष्ट्र राज्य क्या चलाएगी? भाई मांग है कि कुछ सवाल भी ले लिए जाए। राउत जी से एक सवाल है, किसानों की आत्महत्या पे बहुत चर्चा हुई, मानिक राव जी ने कहा कि किसानों को शिवसेना बीजेपी की सरकार में चेक बांटा गया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि माइकल जैक्सन की तरह अगर किसान नाचेगा तो हम पैसा देंगे, तो आने वाले दिनों में शिवसेना किस तरह से नचाना चाहती है किसानों को? नहीं किसानों के बारे में मैं जो आपने कहा है ठीक है, किसी ने क्या कहा मैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन और जोशी साहब शिवसेना बीजेपी के सरकार के मुख्यमंत्री, पुरानी बात छोड़ दीजिए, मैं आने वाले समय की बात कर रहा हूं। जैसे उद्धव जी का विजन डॉक्यूमेंट आपने देखा, हम क्या करना चाहते, पीछे वाले सरकार ने क्या किया, भूतकाल में हम नहीं जाना चाहते, हम एक महाराष्ट्र को बनाना चाहते हैं, महाराष्ट्र नंबर वन राज्य बनाना चाहते, जिसको आपने आपकी सरकार ने एकदम नीचे के पायदान पे लाके रखा है, हम बनाना चाहते हैं। यशवंतराव चव्हाण जी के जमाने में महाराष्ट्र नंबर वन था, बाला साहेब ठाकरे जी के पास जब सत्ता थी 5 साल,
तब आपने देखा होगा महाराष्ट्र कहाँ था और आपने कहाँ लाके रखा है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। और अभी उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो महाराष्ट्र बनेगा वो भी नंबर वन राज्य बनेगा इस देश में। किसान कैसे नाचेगा? किसान नहीं नाचेंगे, किसान आपको नचाएगा जैसे लोकसभा में आपको नचाया था।